भाई जी की कर रहे हो? हाँ जी कान साफ कर रहे हैं जी। कान साफ कर रहे हैं? कान खराब भी हो सकता है आप जिस तरह उनके तीली डाल रहे हो। नहीं सर खराब नहीं करते लोगों का, ना जैसे अपना काम है अपना खुशी का, अपना खुद के कारागिर हम खुद बनाते हैं। इस हिसाब से आपने ये तीलियां पकड़ रखी हैं बड़ी बड़ी और उनके कान में आप डाल रहे हो, इससे भी उनके पर्दे पे या फिर कान पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं पर्दे पे नहीं, जो रेशा होता है मजला होता है वो निकाल देते हैं बस, हमारा वही काम है। 5-6 साल से मैं रेगुलर करा रहा हूँ और मैं इनके साथ और कस्टमर भी जोड़े हैं, कई कस्टमर मैंने जोड़े हैं, बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं। मेरे पास फेसबुक में वीडियो है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कितने साल वीडियो पुरानी है, इसमें टाइम भी आएगा सब कुछ आएगा। ये काम जो ये कर रहे हैं लोगों के साथ जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके कान पे कोई नुकसान हो सकता है? ये काम तो डॉक्टर मोटे मोटे पैसे लेके करते हैं और ये कैसे कर रहे हैं? हम मेरे को तो देखो जी, हम मैं 4-5 साल से करा रहा हूँ अपने कान साथ, मेरे को तो आज तक वैसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी और भी जो कराते हैं मेरे बच्चे भी कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपनी लड़कियों का भी कान साफ कराता हूँ, आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इन काम के माहिर हैं, इनकी टीम है पूरी, एक नहीं है इनकी टीम, धक्का कलोनी डॉक्टर अम्बेडकर एरिया है वहाँ से ये आते हैं, इनकी टीम है, कुछ यहाँ बैठते हैं कुछ कहीं और बैठते हैं। अच्छा कितने समय से ये काम कर रहे हो आप? हमको हो गया जी 25 साल तो हुए होंगे, 25 साल हो गए, हमारे दादे परदादे यही काम करते हैं, अभी हमारे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी उनको बढ़िया बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे बढ़िया, फिर रोड पे ऐसे बैठ के काम नहीं करें, आपको गरीब बंदे ताक बस बच्चों को कमा के खिला रहे हैं। यार भी आप लोगों के बहुत अजीब से हैं, जैसे दवाई रखी है जी हमारे पास, ड्राप रखे हैं धोने वास्ते, देखो जी ड्राप रखे हुए हमारे पास, अगर दूसरे के नहीं पा सकते हम कानों में, एक धो के अगले कानों में पा सकते, हमारे पास दवाई होती है। टोपी आप लोग लाल पहन के रखते हो, टोपी का क्या राज है? ये खानदानी हमारी निशानी है, हमारे दादे परदादे यही काम करते थे, वही काम करके अपना कर रहे हैं। कितनी पीढ़ी से कर रहे हैं आप ये काम? हमारी 3 पीढ़ी होगी समझ ले, 3 पीढ़ी से हो गया हमारा, दादा परदादा फिर डैडी फिर अपन, बस वही काम हमारा, अभी बच्चे अभी पढ़ रहे। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस ते मैं जय कुमार, अज तुहानू एक अजिही वीडियो दिखाने लेके आए हाँ जिथे जो काम डॉक्टर हज़ारा रुपए लैके करता है वो ये लोग चंद पैसों के विच कर देंगे ने, तो लोगों की जिंदगी के नाल शायद खिलवाड़ ही कर रहे हैं। विपिन जी दिखाओ कैमरा कि किवें आ देख सकते हो, लाल टोपी पाई नौजवान जड़ा बैठा वा ते पुछदे ये कर की रहा है, ते उपरों जिहड़े लोग आउंदे ने ओ लोग भी इन्हां कोलों अपने कन्न साफ कराउंदे ने, ते एक रिस्क जिहड़ा वा ओ लोग भी कितने ना कितने लैंदे होए नज़र आउंदे ने, क्या वड्डा नुकसान भी हो सकता सेहत दे नाल जिहड़ा खिलवाड़ है वह किया जा रहा है, तो गलबात भी करते हैं आखिर कर की रहा है, की करते की ने ये भाई जी की कर रहे हो? हाँ जी कान साफ कर रहे हैं जी। है कान साफ कर रहे हैं? नहीं कान खराब भी हो सकता है आप जिस तरह उनके तीली डाल रहे हैं। नहीं सर खराब नहीं करते लोगों का, ना जैसे अपना काम है अपना खुशी का, अपना खुद के कारागिर हम खुद बनाते हैं। खुद नहीं, जिस हिसाब से आपने ये तीलियां पकड़ रखी हैं बड़ी बड़ी और उनके कान में आप डाल रहे हो, इससे भी उनके पर्दे पे या फिर कान पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं पर्दे पे नहीं, जो रेशा होता है मजला होता है वो निकाल देते हैं बस, हमारा वही काम है। कैसे पता लगता है आपको? आप करा के देख लो आपको पता लग जाएगा सर। नहीं आप मेरे को ये बताओ ना कैसे पता लगता है, वो तो आप ना कोई मशीन ना कुछ कुछ है ही नहीं आपके पास, कैसे पता लगता है? हमारे पास जी जो दवाई रखी है हमारे पास देसी दवाई होती है, उसे जो रेशा होता है मजला होता है दर्द होता है जो गाढ़ बनती है वो निकल जाती है हमारे से, हम सही काम करते हैं, गलत नहीं करते हो रहे आज के, नहीं कम से कम 25-30 सालों के काम कर दिन भाई, यही गुजारा हमारा। अगर कोई नुकसान हो जाए इनका जो करा रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे, अगर कोई नुकसान हो जाए तो क्या करोगे? कुछ ना ना बताएंगे जी आप कर देंगे। नुकसान भी हो सकता ना? नहीं हो सकता हमारे हाथों से नुकसान नहीं हो सकता। ऐसी गारंटी कैसे ले सकते हो आप? गारंटी हमारी कारागिर की गारंटी है, हमारे खुद के कलाकार है। अच्छा हाँ सर, मैंने भी इनसे 3-4 साल पहले करवाया था, मेरे पास वीडियो भी है 5 साल पहले की, इनसे मैंने फेसबुक पे भी अपने डाला था, वो वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। 5-6 साल से मैं रेगुलर करा रहा हूँ और मैं इनके साथ और कस्टमर भी जोड़े हैं, कई कस्टमर मैंने जोड़े हैं, बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं। मेरे पास फेसबुक में वीडियो है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कितने साल वीडियो पुरानी है, इसमें टाइम भी आएगा सब कुछ आएगा। ये काम जो ये कर रहे हैं लोगों के साथ जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके कान पे कोई नुकसान हो सकता है? ये काम तो डॉक्टर मोटे मोटे पैसे लेके करते हैं और ये कैसे कर रहे हैं? हम मेरे को तो देखो जी, हम मैं 4-5 साल से करा रहा हूँ अपने कान साथ, मेरे को तो आज तक वैसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बाकी और भी जो कराते हैं मेरे बच्चे भी कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी लड़कियों का भी कान साफ कराता हूँ, आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस काम के माहिर है? हाँ ये इन काम के माहिर हैं, इनकी टीम है पूरी, एक नहीं है इनकी टीम, धक्का कलोनी डॉक्टर अम्बेडकर एरिया है
वहाँ से ये आते हैं, इनकी टीम है, कुछ यहाँ बैठते हैं कुछ कहीं और बैठते हैं, तो ये नहीं रेट भी इनका जायज है। जैसे ये भाई साहब जा रहे हैं इधर आओ, इनका आगे खड़े होते हैं, कुछ उधर बैठे हैं, कुछ गलियों में भी घूमते हैं 50 रुपये में 100 रुपये में। जैसे कि बाहर अपना डॉक्टर के पास जाएंगे 300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया, कोई 2-2 हज़ार भी ले लेते हैं। मेरे पास वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, कितनी बड़ी चीज चावल फंसा हुआ था मेरे कान में, वो इन्होंने निकाला था। अच्छा। बहुत दर्द करता था, बहुत पीड़ होती थी, मेरी लड़की के भी बस पड़ गई थी। डॉक्टर के पास गया तो बोलते भाई इसका एक्सरे कराना पड़ेगा, इसको मशीनरी से निकालना पड़ेगा। अच्छा। तो इन्होंने एक इनके पास चिमटी होती है और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, उससे अच्छी तरह चिमटी से निकाल के साफ किया। लड़की का कान आज एकदम फिट है, 3-4 साल पहले। कोई रिस्क नहीं होता इसमें? बिल्कुल सफाई से करते हैं, बिल्कुल सफाई से, ऐसी कोई बात नहीं। देखो मैं जा रहा था, आपको देखा तो मैं रुका हूँ कि भाई रोटी कमा रहे हैं, खा रहे, पेट के लिए देखो हर एक बंदा करता है, पापी पेट है देखो लगा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हर एक के हाथ में हुनर है, वो काम तो करना जरूरी है। अच्छा, कितने समय से ये काम कर रहे हो आप? हमको हो गया जी 25 साल तो हुए, हो गए 25 साल हो गए। हमारे दादे परदादे यही काम करते हैं, अभी हमारे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी उनको बढ़िया बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे बढ़िया, फिर रोड पे ऐसे बैठ के काम नहीं करे। आपको गरीब बंदे ताक बस बच्चों को कमा के खिला रहे हैं, बस वही हमारा काम। हथियार भी आप लोगों के बहुत अजीब से हैं, जैसे दवाई रखी है जी हमारे पास, ड्राप रखे है धोने वास्ते, और देखो जी ड्राप रखे हुए हमारे पास, अगर दूसरे के नहीं पा सकते हम कानों में, एक धो के अगले कानों में पा सकते, हमारे पास दवाई होती है। अच्छा, ये टोपी आप लोग लाल पहन के रखते हो, ये टोपी का क्या राज है? ये खानदानी हमारी निशानी है, हमारे दादे परदादे यही काम करते थे, वही काम करके अपना कर रहे हैं। कितनी पीढ़ी से कर रहे हैं आप ये काम? हमारी 3 पीढ़ी होगी समझ ले, 3 पीढ़ी से हो गया हमारा, दादा परदादा फिर डैडी फिर अपन, बस वही काम हमारा, अभी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। कभी ऐसा कोई कस्टमर आया नहीं जिसका कोई नुकसान हुआ हो आपकी वजह से? नहीं, कभी दर्द दवाई लग नहीं जाती ना, फिर आ जाते हैं भाई दर्द हटिया नहीं जी, फिर ऐसी दूजी दवाई लागे उन्हें सट कर देने हैं, सही काम करके फिर अगले आगे बोलते नहीं भाई सही काम कराया। जैसे भाई लोगों ने बताया, अभी बच्चे आते हैं हमारे पास, कोई छोटा आता बड़ा आता है, भी गाँट में गाँट होती, रेशा होता है, मजला होता है, उनका दर्द हम सही कर देते हैं इनको। कैसे करते हो, मतलब ये सुई डालते हो कान में? अंकल आपको डर नहीं लगता जब सुई डालते? मेरे को डर नहीं लगता है, मेरे कान साफ सही हो रहे हैं। अच्छा, पहले भी करवाया आपने? ना पहले इतनी करवाई है, मैं पहली बार आया हूँ और बहुत अच्छे से काम कर रही है, मतलब भरोसा है इन पे कि भाई ये जो काम करेंगे वो सही करेंगे? मेरे को भरोसा है, भरोसा है, मैं इनको बहुत देर से देख रहा हूँ 25 साल से। हाँ, अच्छा, रहते हैं ये। मेरी ड्यूटी भी यही लगी हुई है, ड्यूटी पे चलता रहता हूँ। अच्छा, कैसे पता कैसे करते हो कि भाई इनके कान में महल है, इनके कान में सही है? हाँ, हम देख के पता लग जाते भी कानों में रेशा है क्या, मजला है, हमारी सिलाई बता देती है, टच हो जाता है क्या चीज है, बट्टा है रोड़ी है, जैसे है रेशे का अलग होता है, जो सिलाई हम चलाते हैं ना ये, हमको सिलाई से पता लग जाता है भी क्या नुकसान कानों में, वही हम देख के बता देते हैं भी दवाई से हो जाएगा, ऐसे सिंपल हो जाएगा। अब इनके कान में क्या हुआ है? रेशे कानों में दर्द है, सूजन सी आई हुई है अंकल के हमारे कानों में, उनकी दवाई लगी है, अभी सट हो जाना, कान एकदम हल्का हो जाएगा, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर तो अपने घर में भी जाए, अब गरीब बंदे रोड से बैठे वही कला वही कर रहे हैं। मतलब ये इतनी सी अपनी दुकानदार जो दुकानदारी रखी है आपने, इतने में आप कान का इलाज कर देते हो? हाँ जी, हाँ जी, बस यही में इलाज होता है। दवाइयाँ क्या है? ये दवाई होती है देसी दवाई होती है हमारे पास, कान धोने वाली, दर्द वाली, रिशे वाली, मजले वाली, ये देसी होती है हमारी, आप मेडिकल वाली दवाई नहीं चलाते, जो अपने खुद हमारे दादे परदादे चलाते थे उनकी दवाई हम चला रहे हैं। हाँ बस वही है जी। यहाँ पर कितना टाइम बैठते हो? यहाँ पे 5-6 बजे आ जाते, 9 बजे 10 बजे आ जाते, 5-6 बजे चले जाते घर अपने, बात जी अपना बाल बच्चे का रोटी पानी इधर गुजारा हो जाता है, बस चले जाते हैं। कभी कोई कस्टमर आता नहीं कि भाई आप कैसे करोगे, हमें तो डर लग रहा है? नहीं जी, बताते हैं उनको भी, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो एक कला है हमारे पास, हमने तो पता नहीं लगने देना, हमने तो आराम से काम करते, दवाई दवाई लगा के काम सही करते, अगला सही हो जाता है, अगला कहीं बजा कोई 100 ऐसे देखे जाता खुशी से, जो काम सही लगे दे देते जा रहे, हम बैठे रोड पर काम कर रहे हैं। आपके कान में है कुछ? नहीं, देख मेरे को दिखा देते, पता लग जाता उसमें कैसे, अब इनके कान में पता लग जाएगा भी कुछ है कि नहीं है, चेक कर रहे हैं सर अभी। अभी हाँ जी, हाँ जी आएगा, आप देखो आपको निकाल के दिखाएंगे कुछ होगा तो। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा इसमें, देखो फिर। देखो जी ये रेशा जमया कानों में, हाँ देखो निकाल के दिखाओगे अभी इसमें से? हाँ,
तो देख सकते हो ऑन कैमरा ही असी ये भी कन्फर्म कर रहे हैं कि वाकई कुछ काम दे विच हैगा वा या नहीं, कि वैसे ही ये सड़कों के बह के लोगों या बेवकूफ बनाते भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह सोच भी होंगी है कि भी ये बैठे ने लाल टोपी पाई है, भी है कौन ने, यह करते की ने। तो अज लाइव कैमरे के दिखावे भी आखिर कुछ निकलता भी ये कि नहीं निकलिया कुछ। हाँ जी, हाँ जी, रिशा जी सुक्का वाला, सुक्का रिशा जम जाता है कानों में तब निकलता है। पता लग रहा है आपको कुछ जब ये सुई डाल रहे? हाँ जी, हाँ जी, कुछ महसूस नहीं हो रहा, कोई दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो ऐह जहा लग रहा जिमें कि साफ आवाज़ सुनाई दे रही है, जिमें कि पहला हल्की मोटी नहीं आती, तो हूँ एवं लग रहा महसूस ही नहीं हो रहा कि कुछ चिमटी पा रहे हैं जो सिलाई पा रहे कन के, मैं कुछ महसूस नहीं हो रहा। हाँ जी बिल्कुल जी, अभी हम दूसरा कान भी चेक करा देते हैं, देखो कुछ निकला है कि नहीं, दिखाओ जी कुछ निकला है सर? निकला कुछ सर? हाँ जी, हाँ जी, निकल जाएगा, मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं निकलेगा। देखो चिमटी जी निकलूगा सर, मैं कोई है नहीं कि इन्हों की फेवर ले रहा जा कुछ भी, मैं तो राह जा रहा है तो तू देख के रुक गया वा, क्योंकि मैं पहला भी कराना ना, भावें मैं बोली जावा तो भी अपन कोई असर नहीं है। पता नहीं लग रहा? ना ना ना, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कुछ की हो रहा कान च की नहीं, एकदम कोई गल नहीं जी, बहुत सफाई नाल करते हैं, कुछ पता ही नहीं, महसूस ही नहीं हो रहा जिम्मे मैं बोल रहा वा। आया नजर कुछ? हाँ हाँ, मिट्टी धूल हो गई कुछ कान च जम गई कारण ना माड़ी मोटी आवाज का फर्क पै जांदा वा। कढ़िया कुछ कटो देख लो सर। देखो कढ़ रहे ने लाइव तस्वीर तुम दिखावांगे कि आखे कुछ निकलता भी है कि जिस तरह असं सोचते हैं कि उही हकीकत है। तो देख सकते हो डब्बा जिहड़ा रख्या होया इन्होंने, हालांकि जो डॉक्टर की गल करिए बहुत वड्डे वड्डे लैबां ते बैठे होंदे आ, वड्डे वड्डियां मशीनां होंदियां उन्हां कोल, पर इन्हां दी मशीन की गल करिए मशीन तुसीं देख सकते हो एक सिलाई है ते उस तो बाद एक चिमटी जी इन्होंने फड़ी हुई है ते इहदे नाल पूरे कन्न का इलाज कर देंदे ने। तो लोग उन्हां नाल गलबात कीती ते कहिंदे भी सानूं तां पता ही नहीं लगता भी इलाज किवें करदे ने, महसूस ही नहीं हुंदा गा। तो देख सकते हो कि आ कन्न चों जिहड़ा वा कढ़ रहे ने आ निकल गया, तो बड़े सफाई दे नाल बड़े तरीके दे नाल कढ़ रहे हैं। हालांकि जो असी निकले तो सानू भी यही लग्या भी नहीं, ये नहीं हो सकता भी इस तरह जो वड्डे वड्डे डॉक्टर करते हो एक चिमटी नाल किवें कर सकते हैं, पर हुण लाइव कैमरे दे विच दिखा रहे हैं तुहानू कि हुण कन्न दे विचों जिहड़ा वा ओह कढ़िया। तां एक बाई उत्थे, बाई उत्थे क्यों भज रहे हैं, तू भज क्यों रहा? देख रहा मैं गाहक नूं। नहीं तू सानू देख के भज गया? नहीं नहीं नहीं, गाहक गया सी ना उधर। क्या करते हो यहां? कान साहब हैं? कान साहब कर लेते हो? हां। कैसे करते हो? सिलाई से। इससे कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता, ये तो अपने हथियार है। हथियार अपने वाले, ये हथियार है। कहाँ है मशीन, कहाँ है आपकी मशीन? ये अपनी यही होती, सिलाई होती, यही मशीन है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। किसी के किसी का कान खराब हो जाए फिर? ये साड़ी कला है कि ना, ये साड़े दादे परदादे की कला है, ये सानू बख्शीश है। अच्छा, कितने साल तो कर रहे हो काम? मैं हो गए घट्टो घट भी तो 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। अच्छा, आप आसमान आप ये साड़ी अपनी है, इस दवाई दवाई आएगी कना दी सारी बढ़ जाएगी। मतलब सफाई के नाल करते हो, किसी का नुकसान हो जाए? ना ना, नुकसान नहीं करते, सानू पता हो जाता ना पर्दा कितने कितने तक दे सारा कदा दिन। अच्छा, पता किवें लगता है कि ये कम च है की है, क्योंकि बड़ियां मशीनां ला के डॉक्टर चेक करते, तुसी किवें चेक करते हो, देख के पता कर ले? असी रूप पा के पता कर देंदे ने, कॉटन पा के असी कर देंदे ने पता कि मैल कितने तक है कितने तक नहीं, असी जान देंदे अपने शहरी लोग ने घरे जिहड़े बुजुर्ग बंदे है उन्होंने भी असं काम करते, गोडे गाढ़े असं सट करते हैं जी, मालिश मुलिश करके, मालिश का भी काम है साडा। अच्छा, पंजाब तो ही हो कि कितने बाहरों आए हो? ना जी, असं महाराष्ट्र तो है। महाराष्ट्र तो लुधियाना देविच काम करना है? बचपन तो उरी आई जी पंजाब च, असं पंजाब च पले बड़े इत्थे हो गए असं। हाँ जी, टोपी तुहाडी शान है। हाँ जी, ये शान है, ये पहचान है ते शान है इन्हां दी, ये इन्हां दी शान ते पहचान है दादे परदादियां दी लाल टोपी। हाँ जी, हाँ जी, ते हमेशा कन्न च सिलाई ला के ही रखते हैं। अच्छा, आ देखो हुण कढ़णगे इधरले कंचो भी जी, मैं कढ़िया सीगा, कढ़ो जी।
जिमें हुण इन्हां ने रूई ला के तेल जां हल्का जां लाया कोई कैमिकल जां वधिया लग रहा वा महसूस हो रहा वा। तुहानूं फोन करके तो नहीं बुलाया इन्हां ने? नहीं नहीं सर, मैनूं की पता की हो रहा की नहीं, मैं तो घरों आया फ्रिज लैन गया तो अज ही नवी लैनी है, तेल पुआड़ आया सी अंदरों निकल रहा सीगा। अच्छा कड्डो जी चिमटी नाल। हो रहा कोई महसूस? आ देख लो जी हुण कड्डणगे। नहीं नहीं महसूस तो कुछ नहीं पड़दे जम जाने कट दें जी असि बस ओही हमारा काम जिहड़ा कन्ना च नुक्से ओही सेट कर देने। मतलब ना आवाज साफ सुनाई दिंदी है ते बिल्कुल ही महसूस नहीं हुंदा जिवें आपां हुण हैडफोन ला लैने आ जां कुछ ला लैने आ, पर्दा फटन दी डर हुंदा जिवें कि ब्लूटूथ ला लिया जां कुछ भी, इहदे नाल सफाई है एकदम। मतलब जिहड़ा भरोसा डॉक्टरां ते हुंदा उह भरोसा इहनां ते हैगा तुहानूं? डॉक्टरां दी देखो भरोसा डॉक्टरां ते भी हैगा वा, पर बंदा हरेक झाड़ीदार बंदा मजदूर बंदा अगला की कहंदा 400-500 झाड़ी आ और 50 रुपए दे के 30 रुपए दे के आपां कान सफाई करा लैने। हाँ ते जिवें हुण आपां 500 रुपए झाड़ी कमाण वाले 400-500 रुपया, डॉक्टर कोल पहले 100 रुपए की पर्ची कटावांगे, फिर अगे जाओ जी टेस्ट कराओ, फिर 400-500 दवाई लिख लेंगे, 2-3 हज़ार रुपये बंदा पै गया फिर अगली बार बुलाएंगे, फिर पर्ची कटाओ और 30-40-50 रुपये कन्न साफ कराओ तो आराम। तो देख सकते हो कि कुछ पैसों के विच ये माहिर लोग जड़े सड़क पर बैठे होंगे, लाल टोपी पाई होंगी इन्होंने तो रूई तो सिलाई जी रखी होंगी है, कुछ पैसों के विच जड़ा एक कन्ना की सफाई कर देंगे ने, तो इन्हों को पेटी भी हैगी है, दवाई भी हैगी, सारा कुछ हैगा। तो ये इस वीडियो में शेयर भी करो ता जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कन्ना तो परेशान होंगे तो शायद इन्हों को आके उन्हों का भला हो सके, तो शेयर भी कर दिओ इस वीडियो। कैमरा मैन बिपिन बस्सी दे नाल दा सिटी हेडलाइन जय कुमार। मजदूर असी हमेशा ये चाहते हैं कि साडा हल्के च कम होए, सस्ते च होए, ना वधिया होवे, क्यों जी इसी करके आपां उरे कराने। बच्चा तो भी मैं कई बार कराया, अपने बेटी का भी करवाया, लड़का भी मेरा उरे करा के गया, होर मेरे कई कस्टमर आए आ जिवें कि गलियां च घूमदे आ उन्हां तो भी कराया, ये नहीं मैं इन्ना तो ही जरूरी कराया। जे सस्ते दे चक्कर दे विच अपना कोई नुकसान हो जावे? ये सस्ते महंगे की गल कोई नहीं, आपां नूं कम वधिया चाहिए जी, कम वधिया चाहिए, कम सानूं वधिया मिल रहा वा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 1000-2000 ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਉਰੇ 20-30-50 ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਖ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। डर लग रहा यार? नहीं बैठे हो सर, आ की कर रहे हो? आ देखो आ रेशा तो मेरे जी, आ देखो आ जड़े जम्मी सी पर्दे नाल आ दे कट के दित्ती है, आ देखो आ रेशा कड्या कन्ना चो, हुण किदा लग रहा है हुण तुसी सही लग रहे हो? नहीं पता तो नहीं लगा। हां यही चीज साडी कला बस, पर्दे को कुछ नहीं, जड़ा जाला आप कट दें बस, कोई नुकसान नहीं। अच्छा पता किवें लगदा कि मेरे कन्न च कुछ हैगा? सलाई है जिहड़ी बस दस देंदी है वी की है कन्ना च, ये साड़ी सलाई दस दिंदी है, जड़ी बोलती है अंदरों कड़कड़ कड़कड़ समझ ली मैल होती है, जी बंद होंगे कंध रेशा है कट है वो जमी होंगी है, आप देख के सिलाई नाल दस दें भी ये नुकसा है। अच्छा होर भी है कुछ कंध दिख रहा? तो मैं अपने कंध की सफाई जी इन्हों को करवा रहा, हालांकि डर तो मैं जरूर लग रहा है क्योंकि मैं जड़े भी मेरे लुधियाना के वासी ने जिन्हें भी साढ़े व्यूअर ने, डर तो बहुत मैं लग रहा पर फिर भी मैं जो साढ़े वीर होनी मेरी वीडियो देखते हैं भी जो उन्होंने नाल हों, मैं आप अपने जमा के देखागा अज कि वाकई जरा सिलाई तो बड़ी तेजी के नाल घुमा रहे पर मैं महसूस नहीं हो रहा, जो मैं रियलिटी कह मैं हाले महसूस जरा वह नहीं हो रहा है, हूँ की करोगे? साफ कर रहे जी, निकल गया सर? हाँ हाँ मैंने तो देखा नहीं कुछ। हाँ जी आपको पता नहीं लगे हमने निकाल देना बस? हाँ नहीं निकाल के कहाँ रखा? हाँ देखो ये कान से निकाला है? हाँ हाँ पहले का तो नहीं है? नहीं नहीं वो काम नहीं जी अपने बजट कानों में होता है। सामने दिखाओ मेरे को निकाल। देखो जी ये कटे करना जो जेड़ा कन्ना च रेशा मजला होता है वो कट देने। अच्छा ये बनता कैसे? ये दिमाग का रेशा जो है ना गले में जैसे उतर रहा है, सर्दी जुकाम हो जाती है, आंखों में पानी आ जाता है, ये एक सुराख के अंदर से ये भी रेशा जम जाता है, बस वही है जी कन्ना जो रेशा निकलता है वही है। अच्छा और भी है कुछ? विपिन जी क्लोज तो दिखाओ माड़ा भी कि
पता लगे भी मतलब कर की रहे है।